हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा है सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में, यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज का व्लॉग है हमारा हरितालिका व्रत के ऊपर। एक छोटा सा व्लॉग बना रहे हैं। आज है हरितालिका तीज, तो चलिए दिखाते हैं आज के नए व्लॉग में हरितालिका तीज। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। घर के आजकल फ्लावर गार्डन में देखिए कितना बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हो चुकी है आजकल, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये पूरे फ्लावर्स। ये है हमारी किटी। ओए किटी, उधर देखो, हाय करो, हाय करो, माँ करती है। वही, ये कौन है? ये कौन है? देखिए पापा भी रेडी हो चुके हैं पूजा के लिए। हम अभी फूल वगैरह ले रहे हैं पूजा करने के लिए। मामा बताओ जरा हमारे दर्शकों को कि इस व्रत को क्यों रखा जाता है। इस व्रत को कन्या लड़कियां भी रखती है और सुहागन भी रखती है, अपने वर को जो है लंबी उम्र हो वर की, इसके लिए भी रखते हैं। ये व्रत जो है पार्वती माता ने वो शिव जी के लिए रखा था, जब उसके पिता वो पर्वतराज ने वो नारद जी को वो दे दिया, जबान दे दी थी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह जो है विष्णु भगवान से करूँगा। अच्छा तो पार्वती को जब पता चला कि पिताजी ने जो है मेरा वर वो विष्णु जी को चुन लिया है, तो उसने जो है शिव जी को अपना वर माना था, तो इसलिए उसने सखी से जाके ये बात कही कि पिताजी ने ऐसा ऐसा कर दिया है तो मैं क्या करूं अब। तो इसको तब फिर उस सखी ने बताया कि ऐसा करते हैं, चलो कहीं जंगल में जाते, तो उस इसीलिए इसे हरितालिका कहा जाता है क्योंकि वो सखी के द्वारा वहाँ से हर ली गई, उसने अपनी सखी के साथ भाग गई वो अच्छा शिव जी अच्छा के वो तपस्या करने एक अच्छा जंगल में गुफा में। ठीक है। अब ये क्या लाया आप हाथ में? ये पूजा करने के लिए सामान लाई हूँ, चलो सो चलो, हरितालिका को सजाने के लिए ओके फूल पत्तियाँ सब कुछ। गाइस, अभी मम्मा ने सारा तैयार कर लिया अपना सामान, भोग वगैरह। ये काटने पड़ेंगे क्या? काट अल्लाह इतनी यार। अपनी दादी अम्मा जी बैठो, दादी बैठो नीचे। हमेशा जब भी हम पूजा करते हैं, हम तो वैसे खानदानी पुजारी हैं पर फिर भी कई लोगों को पता नहीं होती ये चीज़। जब भी कोई भी पूजा पाठ होती है तो उसमें जितने भी हमारे पूजा का सामान होता है उसके नीचे हल्का हल्का कुछ फूल या फिर कोई भी पत्ता हो ज़रूर रखें, क्योंकि हम जब भी जहाँ पे भी बैठते हैं तो ज़रूर हम आसन लेते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी हमेशा आप भी ध्यान रखें। और पापा अभी देखिए रख दिया है इसमें ऊपर घंटी के ऊपर। पापा साइड में रखो उसको, थोड़ा थोड़ा बाहर के लिए रखो ना आसन को, ऐसे ही ऐसे रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इनका आसन होता है। श्रेष्ठ स्वस्थाने चात्र स्थिरो भव यावतम त्वं पुजामि तावतम सदैवं भाव। ओम गणपति बाबा, ओम भोलेनाथ, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ब्रह्मा महेश,
ओम विष्णु भगवान आय नारायण नमो नमः। तो गाइस जो ये मंत्र आपने अभी सुना, उस मंत्र का जो मेन आवाहन करने का ये मंत्र है, जितने भी देवी देवता होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आवाहन अगच्छ स्थाने चात्र स्थाने अपि सन्निधौ यावत हम पूजा हम करिष्यामि तावत हम सन्निधौ भव। कि हे भगवान, जहाँ पे जितने भी आप देवी देवता हैं, आओ हमारे घर पे, जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पे आओ और हमारी पूजा को ग्रहण करो। जहाँ पे भी हम आपका पूजा कर रहे हैं यहाँ पे स्थान ग्रहण करो। ओम गणपते नमो नमः। ओम मां लक्ष्मी मां सरस्वती जय हो हरि कालिका प्रभु। ओम भोलेनाथ स्वामी। प्रवक्ष्यामि विश्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया च आद्यादि नेत्रा शूलधारिणी विघ्नाकधारिणी चित्रा चण्डघटा महातपा मनोबुद्धि अहंकार चित्रूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सदा सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गति शाम्भवी देव माता चौ चिंता सततन प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यक्ष विनाशिनी अपर्णा। चुके हैं हमारे भोलेनाथ जी, गंगा माता तो दिख भी नहीं रही। गाइस अभी हमने यहाँ पे पूजा कर ली है घर पे, अब हम जा रहे हैं छोटे दादा के घर पे, जहाँ पे हरि तालिका कथा देंगे सारे लोग इकट्ठे मिलके। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। और एक बात मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता था, जैसे हमने अभी शंख ध्वनि किया, इसको दो सुरों में बजाया जाता है, पर ये सुर वैसे तीन होते हैं। इसमें एक सुर बिल्कुल जो खाली होता है जिसमें आवाज़ नहीं निकलती है, एक ये तीनों लोगों के लिए होते हैं। तो तीन तरह के ये शंख बजाए जाते हैं, जब हमारे सीधा वाला शंख जो बजता है, और उल्टे शंख में सीधा हम एक ही शंख इसीलिए बजाते हैं, जहाँ तक आप में जाए कि भाई इसीलिए उसे बजाते हैं, क्योंकि उस टाइम एक मृत्यु लोक में ही जाना होता है। पापा ये वाले फूल लो तो दो फूल।
जब भी आप कभी भी किसी मंदिर में जाएं तो उसके लिए हमेशा विषम संख्या में फूल लेके जाएं, क्योंकि हमेशा मंदिरों में विषम संख्या में फूल लगते हैं और बहुत शुभ माना गया है। जैसे कि अगर आपने फूल चढ़ाना है तो आप एक चढ़ा सकते हैं, कभी भी कहीं पे भी चढ़ाएं, एक चढ़ा सकते हैं, तीन चढ़ा सकते हैं, पांच चढ़ा सकते हैं, इस तरह से। कभी भी आपने शायद देखा भी होगा फूल लगेगा, या तो एक लगेगा या तीन लगेगा, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग भी ऐसा इस चीज़ का पालन करते हैं। मतलब तो वो सामने आ रहा है छोटे दादा का घर, बस हम पहुंचने वाले हैं मंदिर के साथ में। आज हम आपको मंदिर के दर्शन भी सामने से करवाएंगे काली माता के। ये है यहाँ पे काली माता का मंदिर, और इसके साथ में छोटा सा मंदिर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे श्रीनाथली नाग जी का ये मंदिर है जो साथ में है इनके। और जो आप इस एरिया में जो पहाड़ पहाड़ देख रहे हैं, इसके बैक साइड में बशेउल स्थान है, उस स्थान से ये काली माता हमारे पूर्वज के साथ यहाँ पे आई हैं। और इनका ये काली माता हमारे कुल माता भी हैं, और श्री नाथली नाग जी और माता देवी श्री माँ शर्मासनी जी भी हमारे कुल देवी देवता हैं, और ये भी हमारे कुल माताओं में से मानी गई हैं। तो आइए दर्शन कराते हैं आपको इनके। गेट कर दिया हमने बंद, तो हम पहुंच चुके हैं इधर। आयुष्मान, आयुष्मान दादी प्रणाम, कैसे आप? ठीक है दाई प्रणाम। तो गाइस अब विधिवत रूप से बड़े से लेकर छोटे लोग पूजा करेंगे। अब स्टार्ट हुई है पूजा विधिवत रूप से।
तो अब बना रहे हैं मम्मी दादी छोटी मम्मी मालाएं, हरितालिका की मालाएं। अब इनको ये अपने मालाओं के साथ अटैच कर लेंगे और हम लोग सारे हाथ में थोड़ा थोड़ा सा ये हरितालिका के जो छोटे छोटे पत्ते से हैं इनको हाथ में पकड़कर हरितालिका व्रत की कथा सुनेंगे। तरह है जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार आग के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरदांगिनी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकां सीतारं नमामि च माधर्म्य पितरं विद्यानामहम्। हे गोविंद भजे गरुड़ गुण निधे दामोदराय माधवा, हे कृष्ण कमला पते यदुपते सीता पते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मी पते। मैया कर दुख पर दारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत ते गौरी। लक्ष्मी को लगा तिलक, सबको मत टेको ना, सबको टेको। ये है चला मत, हमारे बुजुर्ग दादाजी से कि यह हरितालिका का व्रत किस लिए रखते हैं और क्या इसका उद्देश्य है, तो आप सुनिए जरा। आज गौरी तृतीया के दिन हमारा हरितालिका का व्रत होता है, तो आज कथा सुनी जाती है, आज का दिन पूरा उपवास होता है, कल सुबह इसका विसर्जन होता है। हाँ जी, हरितालिका का व्रत ये पार्वती माता ने शिव जी का व्रत किया था और फिर शिव जी के साथ पार्वती माता का विवाह हुआ था। तो ये व्रत औरतें अपने स्वाद की दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं। हाँ जी, जी आप सबको भी इसका, आप सबको इसकी शुभकामना। इस तरह था हरितालिका का आज का ये व्रत। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो कृपया करके अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर पुराने हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने मित्रों संबंधियों के साथ और जुड़े रहिए हमेशा की तरह, नए नए व्लॉग लेकर आते रहेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।